मंगलेश डबराल। परिचय। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश जी की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पानी, पोल्स्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही, हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हो। कविता। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यों ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कविता व्याख्या। इस कविता में कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की महत्ता को रेखांकित किया है। कवि कहता है कि
कि मुख्य गायक के चट्टान जैसी गंभीर आवाज का साथ संगतकार अपनी कमजोर कांपती हुई किंतु मधुर आवाज से देता है। कवि संगतकार का परिचय यह कहकर देते हैं कि अमूमन ये मुख्य गायक का छोटा भाई, चेला या कोई रिश्तेदार होता है। कवि कहता है कि संगतकार आज से नहीं प्राचीन काल से ही गायक के तान को संभाल रहा है। जब मुख्य गायक गायन करते हुए सुरों की मोहक दुनिया में खो जाता है, उसी में रम जाता है, तब संगतकार ही स्थायी स्वर को संभालता है। जैसे वह किसी गायन समारोह में समाप्ति के बाद गायक का कोई छूटा हुआ सामान संजो कर रख रहा हो, वह अपनी टेक से गायक को उन दिनों की याद दिलाता है जब उसने सीखना शुरू किया था, जब गायक नौसिखिया था। यहाँ कवि रेखांकित करता है कि हर गायक अपनी शुरुआत संगतकार के तौर पर ही करता है। कवि कहते हैं कि बहुत ऊंची आवाज में जब मुख्य गायक का स्वर उखड़ने लगता है और गला बैठने लगता है, तब संगतकार अपनी कोमल आवाज का सहारा देकर उसे इस अवस्था से उबारने का प्रयास करता है। कभी कभी तो यूं ही मुख्य गायक को स्थायी गाकर हिम्मत देता है कि वह इस गायन जैसे अनुष्ठान में अकेला नहीं है। वह पुनः उन पंक्तियों को गाकर मुख्य गायक के बुझते हुए सर को सहयोग प्रदान करता है। कभी कभी संगतकार की आवाज में एक झिझक सी होती है। दरअसल ये झिझक इसलिए है कि वो कोशिश करता है कि कहीं उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊपर ना पहुंच जाए। ऐसा करने का मतलब यह नहीं है कि उसकी आवाज में कमजोरी है, बल्कि वह आवाज नीची रखकर मुख्य गायक को सम्मान देता है। इसे कवि ने संगतकार की महानता बताया है। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा मंगलेश डबरवाल का जन्म कब हुआ था, 1948, 1947, 1950 या 1952? तो आपने पढ़ा था 1948 में मंगलेश डबरवाल का जन्म हुआ था। अगला, मंगलेश डबरवाल किस अखबार के संपादक थे, आमसभा के, जनसभा के, जनसत्ता के या अमृत प्रभाव के? तो ये जनसत्ता के क्या थे, अखबार के संपादक थे। अगला, मुख्य गायक की आवाज़ में क्या साफ सुनाई देता है, तड़प, खामोशी, हिचक या संकोच? तो हिचक इसकी आवाज़ में हमें महसूस होती है। अगला सवाल, प्रस्तुत कविता में मुख्य गायक का साथ देने वाला व्यक्ति कौन होता है, लड़का, संगीतकार, कवि या प्रेमी? तो संगीतकार होता है। अगला, कविता हमारे अंदर क्या विकसित करती है, दृढ़ता, संवेदनशीलता, मनोवृत्ति या पारदर्शिता? तो क्या करती है, तो हमारे अंदर संवेदनशीलता यानी कि विकसित करती है। मंगलेश डबरवाल के लिए यहाँ पहला क्वेश्चन, मुख्य नायक और सहायक में किस प्रकार के स्वर हैं, दोनों के स्वरों के बारे में बताना है। कवि ने रिश्ते में क्या अनुमान लगाया था कि कौन कौन से रिश्ते हो सकते हैं, तो रिश्तों के बारे में बताया गया, तो रिश्तों के बारे में आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। संगतकार मुख्य कलाकार को कब संभालता है, जब यानी कि उसकी आवाज़ डाउन होती है तो तब वो उसको संभालता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ इसका जवाब, तो आपने अभी कहानी के अंदर भी देखा था, इसके कविता के अंदर देखा था, तो अब यहाँ पे भी आपको हम लिखा हुआ भी दिखा देंगे, तो आप कॉपी करके उनको याद कर सकते हैं। संगतकार कब ढांढस बांधता है, कब ढांढस बांधता है, अगर आप पूरी वीडियो अच्छे से देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला है, संगतकार के स्वर को ऊंचा ने उठने उठाने की कला क्यों समझनी चाहिए, तो हमें क्यों समझनी चाहिए कि वो अपना स्वर क्यों ऊंचा नहीं उठाता? तो यहाँ पे इन सवालों के जवाब यहाँ पर हैं। तो पहला सवाल ये दिया हुआ है, इसका सेकंड का जवाब ये है, तीसरे का ये है, चौथे का जवाब यहाँ पर ये दिया हुआ है, और अगला पांचवें सवाल का जवाब यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से आप इनको आराम से याद कर सकते हैं।